ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। मुख्तार अंसारी साहब एक बहुत अच्छे इंसान, जैसे कि सारे लोग पूरा जग जानता है, यही वजह है वो सब पे चाहते थे, हमें भी बहुत लगाव था। फंस गई है ये बताते बताते, ये मुख्तार अंसारी की अम्मा का कब्र है, ये अब्बा का कब्र है, ये चचा का कब्र है। अब समझ ले 2 बजे रात तक 2:30 बजे रात तक बस सिर्फ खाना खाने के लिए हम जाते। इतनी आवाम अब तक हमने 20 वर्ष हो गया हमको। एक बार दादा सुभानुल्लाह अंसारी की वक्त में इतनी भीड़ हुई थी। और यही तकलीफ खाली मुसलमानों को ही नहीं, पूरे देश के हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को जो रखते हैं इंसाफ में, कानून को मानते हैं, सबको इस चीज़ की बड़ी तकलीफ हुई है कि इतने सालों से जेल में बंद शख्स को जो है जानबूझकर उसकी हत्या कर दी गई। तो ये इस वक्त हम मोहम्मदाबाद के कालीबाग इलाके में हैं और मुख्तार अंसारी की कब्र पे हैं। ये जो कब्रिस्तान है, ये जो जगह है, यहाँ पे मुख्तार अंसारी का ये जो आप देख रहे होंगे कच्ची जो कब्र है, और लोग अपनी दुआएं वहाँ पे पढ़ रहे हैं, कुछ लोग अगरबत्ती लगा रहे हैं, कुछ लोग जो है देखिए फूलों की चादरें पड़ी हुई हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आके दिखाएं मुख्तार अंसारी के पिताजी की जो कब्र है। ये स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व चेयरमैन श्री सुभानउल्लाह अंसारी, मरहूम पुत्र मोहम्मद कासिम अंसारी, मरहूम पुत्र मोहम्मद अब्बास, मरहूम की कब्र के ठीक सामने ये मुख्तार अंसारी की कब्र है। और ये बगल में देखिए ये मुख्तार अंसारी के माता जी की ये कब्र है, और उनका इंतकाल जो है अभी कुछ दिनों पहले हुआ था 2019 में। तो ये कब्र अभी कच्ची है, और मुख्तार अंसारी की जो ये कब्र है, ये मुख्तार अंसारी की कब्र है, और यहाँ पे लोग दूर दूर से उनको जो है श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पड़ेगा मोहम्मद रबुद्दीन नेताजी। कहाँ से आ रहे हैं नेताजी? देवरिया से। अच्छा, देवरिया से आ रहे हैं आप, उधर से जी। तो यहाँ पे आप मुख्तार अंसारी से आपके संबंध कितने पुराने? 91 से हम उनके संबंध। 91 से जी। आप उनकी कब्र पे आए जी, यहाँ पर आपने जो है वो दुआएं दी। यहाँ पे सुनने में आ रहा है बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जी जी, बिहार से लेकर के, नेपाल से लेकर के, चंपारण से लेकर के, अब ये ना पूछिए कहाँ कहाँ से, कोई जगह नहीं बची है जहाँ से लोग न आ रहे हों। आज भी अभी मैं उनके दरवाजे से होकर के तब आया हूँ, उनके दरवाजे पर बैठने की जगह तक नहीं रह गई है, पूरी फुल है। वहाँ कौन कौन मिला आपसे? वहाँ जो है समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा जी थे, और तमाम तरह के नेता लोग नहीं, परिवार में, परिवार में जो है सांसद जी थे अफजाल अंसारी साहब थे, उनके लड़के थे, वो एक और विधायक मोनू जी थे, इन लोगों से मुलाकात हुई हमें। उमर अंसारी भी थे जी, वहाँ उमर अंसारी भी थे। कैसा माहौल है परिवार का? बहुत गमगीन माहौल है। माहौल तो जो है अब समझ लीजिए कि आँख मिला करके हम लोग बात करने में भी जो है दिक्कतें महसूस हो रही है, लेकिन लोगों की हौसला है कि वो लोग भी खड़े हैं, और उन लोगों से ज़्यादा मरमाहत जो है आम लोग हुए हैं। जैसे मुख्तार अंसारी की क्या शख्सियत थी जो आपको देवरिया से यहाँ तक खींच ला रही है? लोग विदेशों से वीडियो कॉल तक पे उनकी कब्र को जो है वो देख रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। देखिए मुख्तार अंसारी के नाम के पीछे जो एक मसीहा लगी थी, वो वाकई में गरीबों के, मजलूमों के वो मसीहा थे। कोई वाकया याद है? और सबसे बड़ी एक वाकया याद है कि मैं अपने लड़के को भेजा था एक काम के लिए इनको बदायूं जेल में, और उन्होंने बड़ा अच्छा सलाह दिया था, और जैसा इन्होंने सलाह दिया था उस हिसाब से ही आदमी काम किया और उसमें सफलता मिली। अभी तक धरातल पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन एक आदमी आपको नहीं मिला होगा पूरे हिंदुस्तान में, गाजीपुर मोहम्मदाबाद से लेकर के ये पूर्वांचल तक, जो कहे कि मुख्तार अंसारी साहब ने जो है मेरा जमीन हड़प लिया है, मेरी मकान हड़प लिया है, मेरे ये लूट लिया है, मेरे ये पाट लिया, एक आदमी तक अभी तक कहने के लिए तैयार नहीं है। इसे साबित होता है कि जितने मुकदमे जो इनके खिलाफ लगे थे, वह सारे मुकदमे इनको जेल में रहते हुए थे,
एक भी मुकदमे की वास्तविक साक्ष्य नहीं है, ना कि अपराधी थे ही नहीं, अपराध उसके लिए थे जैसे आम गरीबों को जो है आप जैसे मजबूत लोग को ये अगर सता रहा था उसके पीछे ये खड़े होते थे, जिसका कारण था कि भाई कि जो है इनके विरोधी बड़े लोग ही क्या करते थे, सामंतवादी क्या करते थे, छोटे लोगों के तो दिल में ये बसते थे, गरीबों के मदद कर, बहुत गरीबों की मदद, अगर ये दूर से समझ जाते थे कि वो आदमी जो आया है वो किसके लिए आया है, उसको बुला करके नजदीक में उसकी बात को सुनते थे और तुरंत तत्काल कार्रवाई करते थे। देखिए देवरिया से आप आए हैं और इनकी भावनाओं को समझिए, और ये जो है यहाँ दुआ दे रहे थे मुख्तार अंसारी की कब्र पे, हमारे साथ एक सज्जन और हैं, आपका क्या नाम है सर? हमारा कलामुद्दीन नाम है, कुशीनगर से आए। कुशीनगर से जी, कुशीनगर से यहाँ आने का कारण? कारण का बहुत अच्छे इंसान थे जी, इधर आए आप, मरहूम। मैंने आपसे ये पूछा कि कुशीनगर से आप यहाँ आए, क्या वो वजह थी जो मुख्तार अंसारी की कब्र तक आपको ले? देखिए ये गरीबों के मसीहा थे, वो हम लोगों के दिल में बसते थे, चाहे कोई भी जात हो, इसमें नहीं केवल मुसलमान, कोई भी जात हो सबके दिल में बसते थे, गरीबों के मसीहा थे, किसी को भी कोई दुख होता था तो उसमें भागीदारी लेते थे, उसका काम करते थे। अपनी अपनी भावनाएं हैं। देखिए मेरे साथ एक सज्जन और हैं, क्या नाम है सर आपका? संजय सिंह। संजय, आप हिंदू हो के मुख्तार अंसारी की कब्र पे आ रहे हैं, क्या वो वजह है जो आपको यहाँ आने के लिए मजबूर की? ये मानवता और सिद्धांत के सिस्टम पे चलने वाले लोग ये थे, और यहाँ जात मजहब धर्म की कोई बात ही नहीं रही इनके लिए। इनके लिए मुस्लिम ही नहीं, सारे धर्म के लोग आज गमगीन ही हैं, और पता नहीं ये इस गम से कब तक लोग उभर पाएंगे। देखिए ये मुख्तार अंसारी को चाहने वाले लोग हैं, कहाँ से आप आए हैं? देवरिया से। आप भी देवरिया से आए हैं, मुख्तार अंसारी से मुलाकात है आपकी? एक बार हुई थी। देखिए एक बार मुलाकात हुई थी, लेकिन आप जो है वो मुख्तार अंसारी से मिलने आए हुए हैं, उनकी कब्र पे अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ एक सज्जन और है, क्या नाम है सर आपका? जी मधुसूदन पांडे। पांडे जी कहाँ से? जलालाबाद, गाजीपुर। जलालाबाद से आप आए हैं जी। मुख्तार अंसारी की कब्र पे आप आए, आप मैंने देखा कि आपने उनको श्रद्धांजलि जी जी की, क्या वजह थी? विधायक जी का व्यवहार बहुत अच्छा था, ये गरीबों के दिल में बसते थे, जो एक बार इनसे मिल जाता था उनका हो जाता था। लेकिन इनके ऊपर जो इनकी छवि थी वो अपराधी वाली भी थी, वो गलत थी। गलत, वैसे व्यक्ति नहीं थे, जो भी उनके ऊपर मुकदमा हुआ वो जेल में थे, और फर्जी मुकदमा लादा गया, और कभी अपने झुके नहीं, गरीबों की इतनी दुआ थी। जितने लोगों से भी मैं मिला बात किया, लोगों का ये मानना था कि मुख्तार अंसारी के यहाँ कोई भी व्यक्ति चला जाता था तो वो उसकी मदद जरूर करते थे, शायद यही वजह है कि इतने लोग उनके पास आए, उनके इतने लोग उनसे मिलने और उनकी कब्र तक आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विमल सोनकर। विमल जी कहाँ के रहने वाले? मैं ही गाजीपुर का ही रहने वाला हूँ, सादात से। सादात क्षेत्र से आ रहे हैं विमल जी। यहाँ पे मुख्तार अंसारी की कब्र पे आप आए, जो लोग मिल रहे हैं आपको, आपने देखा जी, तो वो क्या वजह है कि आप यहाँ तक आए? वजह मुख्तार अंसारी जी बहुत नेक दिल, हमेशा जो भी आया चाहे किसी जात का हो किसी धर्म का हो उसको उसका काम करने का काम उन्होंने किया है जी। हाँ, गरीबों मजलूमों को जो सताने का काम किया है वैसे सामंतवादियों का पंजा मरोड़ने का उन्होंने काम किया है, इसलिए जो उनसे एक बार उनके संपर्क में आ गए और वो हमेशा उनके लिए उनका हो जाता था, ऐसी शख्सियत थे मुख्तार अंसारी। मेरे साथ एक सज्जन और है, भाई साहब आपसे बात हो जाएगी? आए, कहाँ से आ रहे हैं जी? हम लोग संबल से। संबल जी जी। क्या नाम है आप? मेरा जहीर नाम। जहीर भाई, संबल से आप यहाँ आ रहे हैं मुख्तार अंसारी की कब्र पे आप, तो क्या सोच के आप यहाँ तक आए? मुख्तार अंसारी साहब एक बहुत अच्छे इंसान, जैसे कि सारे लोग पूरा जग जानता है, यही वजह है, वो सब पे चहेते थे, हमें भी बहुत लगाव था, तो यह बड़ा अफसोस है कि इतनी महान शख्सियत जो है दुनिया छोड़ के चली गई, इससे
यहाँ मोहम्मदाबाद का नुकसान नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान है ऐसे लोगों के जाने से। तो ये हमारी तकलीफ थी, इसलिए हम भी पुरसे के लिए चले आए। अच्छा, पुरसे के लिए चले। अभी आप घर गए कि नहीं? जी जी, घर गए। घर गए, कौन कौन मिला? घर पे उनके बेटे थे, उमर साहब। जी जी, एमपी साहब से मुलाकात हुई, अफजल अंसारी साहब से, और विधायक जी जो उनके भतीजे हैं उनसे मुलाकात करके फिर यहाँ। कैसा माहौल है? गमगीन माहौल है कि किसी का जब एक इतनी अच्छी शख्सियत जाती है, जब ऐसे के डाउटफुल मौत हो, एक मौत तो यह है कि कुदरती तौर पे हो जाती, जबकि जाहिर है कि जहर दे के ऐसा कुछ हुआ है, तो ज़्यादा तकलीफ दे बात है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। गाजीपुर मोहम्मदाबाद के रहने वाले थे मुख्तार, और आप संभल से आ रहे हैं। यहाँ से कितनी दूरी है संभल? यहाँ से सर लगभग 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर आप चल के आ रहे हैं, सफर करके आ रहे हैं। वहाँ पे लोग क्या सोचते हैं मुख्तार अंसारी के बारे में? वहाँ सब पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा गमगीन हैं लोग वहाँ के। एक एक दो बार जो है अंसारी साहब संभल गए भी थे, अब से आई थिंक 15-16 साल पहले वहाँ कन्वेंसिंग के लिए, तो वहाँ भी मुलाकात हुई आप थी। करते क्या है सर? मैं सर वैसे मेरा बिजनेस एक्सपोर्ट का है। एक्सपोर्ट? जी सर। देखिए, संभल से लोग आ रहे हैं, और मैं बता दूं कि मुख्तार अंसारी को लोग यहाँ पे गरीबों का मसीहा भी कहते हैं। हालांकि उनके ऊपर 50-60 से ज़्यादा मुकदमे थे, आधा दर्जन मुकदमों में उनको सजा भी हो गई थी, और परिवार आरोप भी लगा रहा है कि उनकी जो मौत हुई वो मौत जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। हालांकि जो जिला प्रशासन और प्रशासन है उसने उस पर न्यायिक समिति की जांच भी गठित कर दी है, वो जांच भी चल रही है। मेरे साथ कुछ लोग और हैं जो कि यहाँ पे कब्र पे रखवाली कर रहे हैं। ये जो मुख्तार अंसारी की कब्र पे आप देख रेख कर रहे हैं, क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम अफरोज अंसारी है। अफरोज, सुनने में आ रहा है कि मुख्तार अंसारी को रोज सैकड़ों लोग देखने और उनको दुआ करने आ रहे हैं। ऐसा है कि सैकड़ों, अब हम 5 बजे फजर की नमाज होती है जी। और आते हैं, और रात को 2 बजे 2:30 बजे हम जाते हैं। हम सैकड़ों का कहें, हमारी आवाज़ फंस गई है ये बताते बताते। ये मुख्तार अंसारी के अम्मा का कब्र है, ये अब्बा का कब्र है, ये चचा का कब्र है। अब समझ ले 2 बजे रात तक 2:30 बजे रात तक बस सिर्फ खाना खाने के लिए हम जाते। इतनी आवाम अब तक हमने 20 वर्ष हो गया हमको। एक बार दादा सुबहानुल्लाह अंसारी की वक्त में इतनी भीड़ हुई थी, देखा था। उस वक्त मुख्तार अंसारी जेल में थे। जी जी जी, और जी वो आए भी थे यहाँ। जी आए थे, पैरोल पाए थे, और कई ज्यादा इतना लोग सऊदी से उतर कर डायरेक्ट आ रहे हैं, भैया हम आ रहे हैं, सामान उमान वही छोड़ लोग वीडियो कॉल से भी। जी, हमारे ऊपर पता नहीं कहाँ से नंबर लोग, कतर से, सऊदी से, वहाँ दुबई से, कई लोग ईमो पर, व्हाट्सएप पर कि जरा आप मुजावर हैं थोड़ा बात करा दीजिए। अब 2-2 बजे रात को हम बात कराते हैं वीडियो कॉलिंग पर, अब लोग फातिहा पढ़ रहे हैं सर। तो ये मैं ये जानना चाहूँगे का मुख्तार अंसारी के जो पिताजी हैं, आप एक बार हमको बता दें कि ये कब्र जो है किसकी है? ये वाली, ये उनकी वालिद साहब की है। मतलब जी, सुमानुल्लाह अंसारी साहब है, ये उनकी अम्मी का है, ये मैं माता जी का। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये दिखाएं। ये जो कच्ची कब्र है ये उनकी माता जी का है, उनकी अम्मी। बगल में जो पक्की, जी ये उनके वालिद साहब, पिताजी सुबहानुल्लाह, ये उनके बड़ी अम्मा है, चचेरी लोग। अच्छा, ये पूरा खानदान की? जी जी, पूरा खानदान। और पिताजी के ठीक पैरों के पास जी उनकी, जी मुख्तार अंसारी साहब की है, मुख्तार अंसारी साहब। और जी, और उनकी बगल में हम उमर भाई से सुने हैं कि हमारी उनकी बीवी आएंगी यहाँ अफसान अंसारी। ओके, देखिए क्या नाम बताया सर? जी अफरोज अंसारी। अफरोज हैं यहाँ पे जो है, यहाँ के केयर टेकर हैं मुख्तार अंसारी, मुजावर हैं। मुख्तार अंसारी की कब्र के बगल में ये जो, जहाँ आप मिट्टी देख रहे हैं, ये मिट्टी मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कि दिखाएं। और इस जगह पे जो मुजावर जो बता रहे हैं कि यहाँ पे उनकी पत्नी जब उनका इंतकाल होगा तो यहाँ दफनाई जाएंगी। और माहौल यहाँ का कुछ ऐसा है गाजीपुर में कि
कि मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक जरूर हो गए हैं लेकिन उनकी लोकप्रियता कम नहीं है। उनकी कब्र पे, मुख्तार अंसारी की कब्र पर आकर लोग दुआएं दे रहे हैं। देखिए हमारे साथ कुछ सज्जन और हैं। सर क्या नाम है आपका? सुहेल इकबाल। कहाँ से आए सर? मैं संभल कर रहने वाला हूँ और मेरे फादर जो हैं वो सातवीं मरतबा विधायक हैं इस बार। और क्या नाम है सर पिताजी? मिस्टर इकबाल महमूद साहब। अच्छा, किस पार्टी से हैं? समाजवादी पार्टी। आपके पिताजी हैं? जी जी जी। मैं उनके प्रतिनिधि हूँ। आप उनके प्रतिनिधि हैं और आप संभल से आ रहे हैं? जी। आप 800 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुहेल चमन है, मैं भी संभल से आ रहा हूँ। देखिए आप लोग संभल से हैं, 800 किलोमीटर दूर से आए हैं। सुहेल साहब, वो क्या वजह थी कि आपको मुख्तार अंसारी की कब्र तक खींचना? देखिए मुख्तार अंसारी साहब अपने आप में एक शख्सियत है जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, और अब से ही नहीं, बचपन से जब से हमने सियासत में कदम रखा था तब से मुख्तार अंसारी साहब का एक अपने आप में नाम हमने सुना था। इस परिवार की बहुत कुर्बानियां रही हैं और सातवीं मरतबा हमारे वालिद मोहतरम विधायक हैं और उनके साथ में ये तीनों भाई, मुख्तार अंसारी साहब के तीनों भाई विधायक रह चुके हैं। एक पारिवारिक रिश्ता हमारा है, इस ख़ानदान से रिश्ता है हमारा, और ये बात जब से जग जाहिर हुई है कि यहाँ इस तरह से एक हत्या के रूप में इनकी मौत हुई है, तो ये पूरी हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी तकलीफ की बात है कि इस तरह का हादसा हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक घृणा की राजनीति के तहत करा गया है। और यही तकलीफ खाली मुसलमानों को ही नहीं, पूरे देश के हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को जो रखते हैं इंसाफ में, कानून को मानते हैं, उन सबको इस चीज़ की बड़ी तकलीफ हुई है कि इतने सालों से जेल में बंद शख्स को जो है जानबूझकर उसकी हत्या कर दी गई। तो ये देखिए इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है, ये परिवार भी आरोप लगाता रहा। अफजाल अंसारी ने भी इस आरोप को लगाया था कि उनको, उन मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है, और ये बात गाजीपुर में उन्होंने कही थी। और 800 किलोमीटर दूर से आप संभल से आए हैं, वही बात दोहरा रहे हैं। मैं, अगर आपने ये बात छेड़ी है तो मैं कहूँ कि कुछ न्यायिक जांच के लिए टीम गठित हुई है और वो कल जांच भी शुरू कर चुकी है, तो क्या लगता है कि भरोसा है? देखिए शासन भी इनका है और इनके ही जो है लोग जो है सब चारों तरफ सारे विभागों में या इनके ही अधीनस्थ लोग हैं। खैर कानून की तो हम लोग बात करेंगे, कानून का तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन फिर भी अदालत सर्वोपरि होती है। अदालत का बहुत बड़ा रोल हमारे संविधान के अंदर है, हम उसको मानते हैं न्यायपालिकाओं को, लेकिन जो जो उन्होंने गठित किया है कमेटी, अब वो किस कदर इस संवेदनशील है इस चीज़ का हवाली निशान तो आप खुद जानते हैं, लेकिन यह है कि फिर भी जो मांग हमारे परिवार की है कि इसकी न्यायिक जाँच हो और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, उसकी शुरुआत हो और उसके बाद इसका निकले कि वाकई क्या इसका वो रहा है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वालिद साहब का क्या नाम बताया विधायक जी का? जनाब इकबाल महमूद साहब। जनाब इकबाल महमूद साहब के आप प्रतिनिधि हैं, उनके बेटे हैं, संभल से आए हैं 800 किलोमीटर दूर, उनके साथ ये तमाम लोग हैं। हमने अभी बहुत सारे लोगों से बात की जो देवरिया से आए हैं, बिहार से आए हैं, और जो यहाँ के केयर टेकर हैं उन्होंने भी बताया कि विदेशों से लोग जो है वो वीडियो कॉल के जरिए उनके मोबाइल पर फ़ोन करके और मुख्तार अंसारी की कब्र का दर्शन कर रहे हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी जिसका नाम ही बस काफ़ी था, एक कहानी बन चुके हैं और आज यहाँ पे सुपुर्द खाक हैं। विनय कुमार सिंह गाजीपुर से, यूपी तक के लिए।